Good morning, students. How are you? Are you fine? Okay. Today we are going to learn our English lesson, UKG class, second book. First book आप complete कर लिया, मैं ऐसे विश्वास करती हूँ. वो book को वापस भी reading करते रहो, बीच में भूलना नहीं चाहिए. और second book में number 2 page में capital letter A to Z लिखना, और स्मॉल लेटर भी ए टू इज़ेड जनरल में लिखना, और नोटबुक में कर्सिव ए टू इज़ेड लिखना, कैपिटल एंड स्मॉल. कैपिटल लेटर भी एक बार लिखना है, स्मॉल लेटर भी एक बार लिखना है. ये रोज एक बार लिखना अच्छा है अपना कॉपी में, ठीक है. जब तक अपना राइटिंग सही हो जाएगा, सीख जाएगा, तब तक ये लिखते रहो, तब अपना राइटिंग बिल्कुल अच्छा हो जाएगा. फिर थर्ड पेज में हम देखो, सम बबल्स आर देयर, कुछ बबल्स का पिक्चर है उसमें. ये बबल्स के में कुछ अक्षर लिख रखा है, उसमें अपना काम है वाउल्स को कलर करना. कोई सभी कलर करो, अपना मर्जी से पसंद कलर कर सकते हैं, लेकिन किस में करना है? वाउल्स में. क्या क्या है वाउल्स? A, E, I, O, U. कितना अक्षर है वोवल्स? 5. स्वराक्षर इंग्लिश में 5. इसको बोलते हैं वोवल्स. ये 5 वोवल्स को कलर करना. नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 4 में कॉन्सोनेंट्स. पूरा इंग्लिश में A to Z कितना अक्षर होता है? 26 होता है. उसमें 5 वोवल्स हो गया, फिर बाकी 21 है. 21 कॉन्सोनेंट्स होता है इंग्लिश अक्षर माले में. कितना कॉन्सोनेंट्स होता है? 21. वोवल्स कितना होता है? 5. 5 वोवल्स, स्वराक्षर 5 और कॉन्सोनेंट्स 21, व्यंजनाक्षर 21. समझ में आया? ओके. वोवल्स मीन्स स्वराक्षर, कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजनाक्षर. इसमें पिक्चर में दे रखा है व्यंजनाक्षर से, जो कॉन्सोनेंट से जो शब्द स्टार्ट होता है, वो बुक में दे रखा है 4 और 5 पेज में. आराम से देख लेना, इसका स्पेलिंग भी लर्न करना. इसका लगभग स्पेलिंग आपको पहले भी याद है. BALL बॉल, COW काउ, DUCK डक, FISH फिश, GRWN ग्रीन, HEN हैन, JAM जाम, KANGARW कंगारू, LOTUS लोटस, MEDAL मेडल, NUTS नट्स, PARROT पैरट, QUESTION MARK क्वेश्चन मार्क, RADISH राडिश, SOUP सूप, TIGR टाइगर, VAN वैन, WOLF वुल्फ, XRAY एक्सरे, YOYO योयो, ZDBRA जीब्रा. ये कॉन्सोनेंट्स है. BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ इतना अक्षर कॉन्सोनेंट्स होता है. नेक्स्ट पेज नंबर 6 में देखो, उसमें कुछ अपने पसंद चीज का पिक्चर दे रखा है. क्या है पिक्चर में? आइसक्रीम. आइसक्रीम पसंद है सबको? हाँ. उसमें जो कॉन्सोनेंट्स को सर्कल करना है. पहले हम जो पेज नंबर थ्री में वोवल्स को कलर कर दिया बबल्स में, हाँ, इसी 6 नंबर पेज में जो कॉन्सोनेंट को सर्कल लगाना. ये कलर वाला पेज में दिखा रखा है, इसलिए इसको गोला लगाना कॉन्सोनेंट्स में. ओके. नेक्स्ट 7 नंबर में और भी हमारा पसंद चीज है, कपकेक. पसंद करते हैं सब कपकेक? हाँ. ये कपकेक को हम खाएंगे. देख लो, कलर द कपकेक्स विद वोवल्स रेड. उसमें क्या करना है? कपकेक को हम कलर करना है. वोवल्स में जो है वो रेड कलर करना है, और कॉन्सोनेंट्स में है वो ग्रीन कलर करना है. समझ में आया? कपकेक दो तरह के होते हैं,
रेड कलर का और ग्रीन कलर का। वोवल्स वाला रेड कलर में आएगा, कॉन्सोनेंट्स वाला ग्रीन कलर में आएगा। फिर हम इसको कलर करके फिर खाएंगे, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 8 में वोवल टू लेटर क्लस्टर से, ए वोवल से, ए वोवल से दूसरा अक्षर जुड़ेगा तो कैसे, ए के साथ बी, पेज नंबर में देखो 8 पेज में नंबर में, ए के साथ बी, ए के साथ डी, ए के साथ जी, ए के साथ एम, ए के साथ एम आएगा तो हम ये पहले सीखा था आम, ए एम आम, ए के साथ एन आएगा तो एन, ए के साथ पी आएगा तो अप, ए के साथ टी आएगा तो अट, ए के साथ जी आएगा तो एग, ए के साथ डी आएगा तो एड, ए के साथ बी आएगा तो अब, ऐसे शब्द आ जाएगा, उच्चारण आ जाएगा, ठीक है। ये भी रीडिंग करना। और नेक्स्ट पेज नंबर 9 में ए और बी एक साथ आएगा तो क्या क्या शब्द बनेगा, इसको कैसे रीडिंग करेंगे। ए और बी वोवल ए, इसके साथ बी कॉन्सोनेंट दोनों जुड़ेगा तो सी ए बी कैब, पिक्चर है अपना जो टैक्सी हम किराए पे गाड़ी ले लेते बुलाते, हाँ उसको बोलते कैब, सी ए बी कैब। डी ए बी डाब, डाब मीन्स ऐसा कुछ रुई कपड़ा नहीं तो पेपर ऐसा चीज टिश्यू पेपर वगैरह उसे थोड़ा अच्छे से रगड़ते हैं हम, हैं जो इंजेक्शन लगाने से पहले देखा है वो स्पिरिट में रुई लगा के ऐसे जहाँ लगाना है ऐसा हम रगड़ते हैं, हाँ उधर साफ करते हैं, वो है डाब। और लैब, लैब मीन्स जो एक्सपेरिमेंट करते हैं परीक्षण करते हैं, जो अपना खून चेक करने के लिए हम कहाँ देते, लैब में देते, कुछ बीमारी आ गया तो चेकअप करने के लिए हम लैब में जाते लैब। और नाब, एन ए बी नाब, नाब मीन्स जो गलती करने वालों को पकड़ना, वो है नाब। समझ में आया। सी ए बी कैब, डी ए बी डाब, एल ए बी लाब, एन ए बी नाब, एफ ए बी फैब, जी ए बी गैब, जे ए बी जाब, टी ए बी टाब। समझ में आया। 2, 4, 6, 8 वर्ड्स है ए बी से, ए और बी जुड़ के जो शब्द बन गया, 8 वर्ड्स इसमें दे रखा है। अपना नोटबुक में लिखना और रीडिंग करना, इसका होमवर्क भी करना, ठीक है। हाँ, ये आज लिखना, रीडिंग करना और याद भी करना। ए बी वर्ड्स लिखने के लिए बता देंगे, क्या बता देंगे, ए बी वर्ड्स लास्ट में, ए बी, सी ए बी कैब, डी ए बी डाब, एल ए बी लाब, एन ए बी नाब, ऐसे वर्ड्स लिखने के लिए, ए बी वर्ड्स लिखने के लिए बता देंगे, तब लिख लेना। लिखने के लिए हम पहले याद करके रखना, ठीक है। अच्छा राइटिंग में काम करना, इसका नेक्स्ट पेज में होमवर्क भी करना और अच्छे से याद करके रखना। और नेक्स्ट 10 पेज में मार्च करने के लिए है, डाब क्या है, लाभ क्या है, पीछे का पेज में से अच्छे से लर्न करना, फिर ये मार्चिंग करने के लिए दे रखा है। डाब क्या है, लाभ क्या है, नाब क्या है, कैब क्या है, ऐसे वो पिक्चर के साथ मार्चिंग करो, फिर कलर द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। एक पिक्चर दे रखा है, उसका कलर करना है, कौन सा कलर करना है, उसमें येलो कलर करना है, क्योंकि टैक्सी का कलर येलो होता है। और इसमें सी ए बी कैब लिखना है। एक कार का पिक्चर दे रखा है, वो किराए पे चलता है, वो वाला कार है, अपना खुद का नहीं, इसलिए येलो कलर करना है और इसमें सी ए बी कैब लिखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।